नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। मन लगाकर पढ़ते रहिए, सफल होइए। आज का हमारा टॉपिक है कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं। कृष्ण की जो धारा थी वो जयदेव एक संस्कृत में कवि हुए हैं, उन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। उन्होंने मधुरा भक्ति की थी, मधुर भक्ति की थी कृष्ण की, और कृष्ण का प्रचार किया था। उन्हीं से ये कृष्ण साहित्य की, कृष्ण धारा की परंपरा चलती है, लेकिन वो संस्कृत में थी। और हिंदी में इसे लाने का श्रेय वल्लभाचार्य जी का है। ये शुद्धा द्वैतवाद के और पुष्टिवाद जो दर्शन है उसके प्रणेता थे। जैसे शंकर का दर्शन अद्वैतवाद था, इनका दर्शन शुद्धा द्वैतवाद है। इनकी शुद्धा द्वैत शुद्ध रूप से मतलब द्वैतवाद है। ये ईश्वर को, ईश्वर का अंश तो मानते हैं अपने आप को, लेकिन ईश्वर अलग और भक्त अलग है, दोनों एक ही नहीं है। इसके बाद इस परंपरा को सूरदास ने आगे बढ़ाया, मीरा ने आगे बढ़ाया, रसखान का नाम आता है। इन सब कवियों ने निरपेक्ष रूप से इसे आगे बढ़ाया। और चूंकि किसी भी साहित्यकार का, किसी भी कवि का मूल कार्य होता है लोक रंजन करना, यानी कि आम जनता के लिए साहित्य लिखना, समाज के लिए साहित्य लिखना, और आगे भी कृष्ण भक्ति शाखा चलती रहती है रीति काल तक। भक्ति काल में चरम पर है, पर रीत काल में भी बिहारी, पद्माकर, हरिऔध, रत्नाकर सभी में मिल जाती है। रत्नाकर का एक उद्धव शतक है, बहुत फेमस है, 100 पद है उसमें, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा। मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, कुछ कुछ तो आज के कवि भी कृष्ण पर लिख रहे हैं। तो ये धाराएं तो चलती रही, लेकिन कृष्ण काव्य धारा भक्ति काल में प्रमुख रूप से प्रचलित थी, प्रसिद्ध थी। और किसी भी साहित्य में किसी भी उसकी विशेषताएं जब लिखनी होती हैं, तो हमने बताया था उस दिन कि भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दो आधार पर हम विशेषताएं लिखते हैं। भाव पक्ष का मतलब होता है जो हमारे जो उसे पढ़कर हम अनुभूति करते हैं, जो पढ़कर हमें आनंद मिलता है, जो हम अनुभव करते हैं, जो हमारे अंदर उस प्रभाव डालता है, वो होता है भाव पक्ष। और शिल्प पक्ष जो बाहरी बनावट होती है उसे हम शिल्प पक्ष कहते हैं। वो दोहा हो सकता है, वो सोरठा हो सकता है, उसमें अलंकार होंगे, वो महाकाव्य है, वो खंड काव्य है, उसमें भाषा कौन सी है, ये शिल्प में आता है। लेकिन बाकी उसको पढ़ के जो प्रभाव पड़ता है, जो चीजें उसमें समाहित होती हैं, वो भाव पक्ष में आती हैं। तो कृष्ण काव्य धारा में भाव पक्ष की विशेषताएं हमने पॉइंट लिख दिए हैं, इनको डिस्क्राइब करेंगे। पहले से इसलिए लिख देते हैं कि समय कुछ बच जाता है, ऐसे भी उदाहरण लिखने में समय जाता ही है। पुष्टि मार्ग या शुद्धा द्वैतवाद का प्रभाव, चूंकि सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य जी, और उन्होंने ही पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था, शुद्धा द्वैतवाद उन्होंने ही चलाया था, तो सूरदास इससे पूरी तरह प्रभावित थे और पुष्टि मार्ग के वो कभी भी कहे जाते हैं। उन्होंने इसमें शुद्धा द्वैत का मतलब था कि अवतारवाद को भी ये लोग मानते हैं, इसमें अवतारवाद की धारणा की गई है। तो इन्होंने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हुए कृष्ण को अपना आराध्य माना, और उन्हीं की भक्ति में जो कविताएं लिखी वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कविताएं हैं। सूरदास भी हैं, मीरा भी हैं, ये भक्त के रूप में कविताएं लिख रहे हैं, जो साहित्य के लिए एक बड़ी धरोहर है। और ये निर्गुण को नहीं मानते हैं, अद्वैतवाद को नहीं मानते हैं, द्वैतवाद को, शुद्धा द्वैतवाद को मानते हैं। इनकी गोपियां कहती भी हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। तो इसका मतलब है कि ये सीधा सीधा अद्वैतवाद को नकारते हैं। कबीर क्या कह रहे थे कि राम दशरथ सुत्ति हूँ लोक बखाना, यानी कि वहां क्या था, निर्गुण महत्वपूर्ण था, यहाँ क्या है, सगुण महत्वपूर्ण। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को
बासी। मतलब क्या हुआ कि वो शंकर के अद्वैतवाद का खंडन करते हैं और ईश्वर का अवतारवाद मानते हैं और कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि स्क्रीनशॉट के लिए मैम रुक जाया करिए, रुकने से वीडियो लेंथी हो जाएगा। आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को। दूसरा है लीला में अखंड विश्वास। अवतारवाद है तो सीधी सी बात है कि जो भी अवतार हुआ है वो लीला करेगा, तो लीला में इनका अखंड विश्वास है। और ये अपने जो गायन करते हैं, जो भक्ति में पद लिख रहे हैं, जो गा रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वही कृष्ण की लीलाएं लिख रहे हैं। जो कृष्ण ने लीला की है वही लीला कर रहे हैं। ये लिखते हैं जो यह लीला अचल चित्त दे सुने सुनावे भाव है। जो यह लीला अचल चित्त दे सुने सुनावे प्रेम भक्ति सो पावे अरु सबके जिए भावे। मतलब जो यह लीला अचल चित्त दे, मतलब जो यह लीला का गुणगान अपना चित्त रख के अपना ध्यान रख के सुनता है और सुनाता है, उसको प्रेम भक्ति मिलती है ईश्वर की और सबके मन को भाता है, यानी कि सबके लिए प्रिय बन जाता है। तो लीला में इनका अखंड विश्वास है। तीसरा है वात्सल्य का विशद चित्रण। मतलब वात्सल्य जो बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम वात्सल्य कहते हैं। बच्चों के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। और कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अधिक किया गया है, इसीलिए इसे वात्सल्य का काव्य कहा जाता है। और सूर्य को तो वात्सल्य का कवि ही कहते हैं, सूर्य के द्वारा ही वात्सल्य रस का निष्पादन हुआ। उससे पहले वात्सल्य रस हमारे रसों में नहीं था, नौ रस हुआ करते थे। वात्सल्य रस सूरदास के बाल लीलाओं के वर्णन से ही आता है। विशद चित्रण मतलब उसका विस्तृत रूप से चित्रण किया है। इन्होंने इतना सूक्ष्म दृष्टि से लिखा है, इतना सूक्ष्म दृष्टि से लिखा है कृष्ण का चरित्र, बाल लीलाओं का वर्णन, ऐसे लगता है जैसे सूर अपनी आंखों से वहां खड़े होके देख रहे थे। जबकि कहा जाता है कि सूर तो जन्नाद थे, फिर कैसे इतना सब कुछ लिख दिया। कभी कभी सूर के अंधे होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। वो लिखते हैं कि सोवित कर नवनीत लिए, गुटुरुमन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत मीन्स होता है मक्खन। हाथ में मक्खन लिए हुए हैं, बड़े शोभायमान हो रहे हैं कृष्ण। गुटुरुवन चलत, घुटने के बल चल रहे हैं, एक हाथ में मक्खन लिए हैं। रेणु तनु मंडित, जो रेणु मतलब होता है जो धूल है, जो बालू है, उससे वो शरीर में लगी हुई है। मुख दधि लेप किया, और मुंह में पूरा दही का लेप लगाए हुए, यानी कि दही मुंह से ही ऐसे खा रहे हैं, पूरा मुंह सना हुआ है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, आपके सामने एक चित्र बन गया होगा कि कैसे लग रहे होंगे कृष्ण। तो यही इन्होंने वात्सल्य का इतना सूक्ष्म दृष्टि से वर्णन किया है। शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरुमन चलत, रेणु तनु मंडित, मुख दधि लेप किए। अगला क्या है? अगला है प्रेम की विराट कल्पना। प्रेम तो राधा कृष्ण का प्रेम तो प्रतीक बन गया है, गोपियों के साथ उनका प्रेम एक प्रतीक बन गया है। आज भी लोग अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए राधा कृष्ण का उदाहरण देते हैं।
तो प्रेम तो सूरदास के काव्य में भरपूर मिलता है, क्योंकि कृष्ण का काव्य लिखा है, कृष्ण की लीलाएं लिखी हैं, तो राधा कृष्ण का प्रेम लिखना स्वाभाविक ही था। और इनके यहाँ विराट कल्पना है प्रेम की, मतलब प्रेम भी ऐसा नहीं है कि बिना देखे। कबीरदास जी वाला की निर्गुण है, तो कबीरदास जी के यहाँ तो देखने का सिस्टम ही नहीं है, बिना देखे ईश्वर को प्रेम कर रहे हैं निर्गुण को। यहाँ जानबूझ के प्रॉपर तरीके से प्यार किया जा रहा है, ऐसे नहीं कोई मिला उससे प्यार कर लिया। कृष्ण को राधा मिलती है गोकुल में, तो चूंकि राधा गोकुल की नहीं है, बरसाने की है, और राधा जब उन्हें मिलती है तो वो प्रॉपर पूछते हैं, परिचय लेते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कौन तू गोरी। श्याम पूछ रहे हैं कि कौन है तू, कौन है गोरी तू, तुम्हें हमने पहले कभी नहीं देखा, कहां रहत, कहां रहत काकी तू बेटी, काकी तू बेटी। देखी नहीं, देखी नहीं कबहू ब्रज होरी। थोड़ी सी समस्या हो रही है एक्चुअली, मैं आज हाथ में बेल्ट नहीं लगा पाई, ऐसे ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो हाथ को संभालना कठिन हो रहा है। बूझत कौन श्याम तू गोरी, कृष्ण ऐसे ही प्रेम नहीं करने लगे राधा से, पहले परिचय ले रहे हैं, कौन है तू, कहाँ रहत, कहाँ रहती है काकी तू बेटी, किसकी बेटी है, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, इससे पहले हमने तुम्हें कभी ब्रज में नहीं देखा, आज पहली बार आई हो, तो पहले परिचय लिए, जान पहचान किए, तब प्रेम का प्रस्ताव होगा, ऐसे ही प्रेम नहीं कर लिया बिना जाने पहचाने किसी से, कर लिया फिर ब्रेकअप हो गया, तो ऐसे नहीं, जान पहचान करके प्रॉपर दोस्ती करके तब प्रेम होता है। और संयोग वर्णन, चूंकि प्रेम में संयोग वियोग दोनों की स्थिति बनती है, तो संयोग वर्णन में तो ये पूछ ही रहा है, बूझत श्याम कौन तू बेटी, ये उदाहरण दे सकते हैं आप, बूझत श्याम कौन तू गोरी। वियोग में भी बहुत मार्मिक चित्रण है, वियोग तो बहुत अच्छा, भ्रमर गीत में पूरा वियोग श्रृंगार ही भरा हुआ है, तो वियोग में तो है ही बहुत अच्छा। जब कृष्ण की पत्र, कृष्ण का जब पत्र आता है, उद्धव लेकर आते हैं ब्रज में, तो गोपियां देखती हैं निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावत छाती। कृष्ण के वो अंक देख देख के, लिखा हुआ देख देख कर सुंदर अपनी छाती से लगा रही हैं, अपने हृदय से लगा रही हैं। लोचन जल कागज मसिमल के, कागज की जो मसिमिन स्याही है वो आंखों के जल से मिलकर हो गई श्याम श्याम की पाती। जो कृष्ण का पत्र है वो काला हो गया। लिख देती हूं मैं वियोग श्रृंगार में, निरखत अंक श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती। लोचन जल कागद, लोचन जल कागद मसी मिलके, हो गई श्याम श्याम की पाते। ये वैसे तो श्याम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन चूंकि ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है इसलिए ऐसे श्याम लिखा है। तो
निरखत अंक श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के अक्षर निरख रही है, उनके अंक वो स्वयं कृष्ण को देख रही है उस पत्र में और अपने हृदय से लगा रही है। लोचन जल कागज मसी मिलके, लोचन जल मतलब आंसू, लोचन मीन्स आंख होता है, आंख का जल मतलब आंसू। कागज मसी मिलके, कागज की जो स्याही है वो मिलके हो गई श्याम श्याम की पाती। वो पूरा पत्र जो सफेद और काले अक्षरों में था वो टोटल काला हो गया, श्याम हो गया, सांवला हो गया। अगला पॉइंट है कि भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएं, गोपियां और उद्धव का संवाद लिखा है, गोपियों और उद्धव के संवाद में जो बातें हुई हैं उसको भ्रमर गीत सार में उन्होंने लिखा है। यहाँ भी वो भक्ति की विजय दिखा रहे हैं, विजय दिखा रही हैं गोपियां, भक्ति और प्रेम की विजय ज्ञान पर दिखाती हैं। यहाँ भी उद्धव को ज्ञान का, अद्वैतवाद का प्रतीक मानते हैं और उस पर भक्ति की विजय दिखाने की कोशिश करते हैं। और भ्रमर गीत इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक भंवरा को नोटिस करते हुए गोपियां उलाहने रूप में दे रही हैं, तो उसे यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, यानी कि निर्गुण कहाँ का रहने वाला है हम नहीं जानते, हम तो अपने कृष्ण को ही जानते हैं। अगला है युग जीवन से कम संबंध, क्योंकि ये भक्ति में रमे हुए हैं और मथुरा वृंदावन में ही वास करते हैं, कभी वहीं कृष्ण में मंदिर में कृष्ण के क्षेत्र के आसपास, गोकुल के आसपास ये अपना भक्ति गान करते हैं, उसी में कविताएं लिखते हैं, तो इनको, इनका जो साहित्य है, इन कवियों की जो स्थिति है वो युग जीवन से कटी हुई है, मतलब युग जीवन जो सामाजिक जीवन है उससे इनका बहुत लेना देना नहीं है, ये अपने में मस्त रहने वाले टोटल भक्त कवि हैं और ये भक्तिमय होकर कविताएं लिख रहे हैं। वो ठीक है, आज के युग में भी प्रासंगिक हैं, आज भी उनका गान होता है, पर प्रॉपर तरीके से ये समाज के लिए नहीं लिख रहे हैं, है तो समाज के लिए उपयोगी लेकिन ये लोग भक्तिमय होकर लिख रहे हैं। और ये लिखते हैं कि संतन को कहा सीख रीसो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम, सीकरी मतलब फतेहपुर सीकरी, सीकरी सो काम मतलब जहां राजा निवास करता है, इनको बुलाया गया था तो उन्होंने कहा संतन को कहा सीकरी सो काम, हमें सीकरी से क्या लेना देना है, हमको वहां नहीं जाना है, हमको राज दरबार में कविता नहीं करना है। आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, बिसर गयो हरिनाम, मतलब हम केवल दरबार में ही रम जाएंगे, आने जाने में ही है तो रहेंगे या दरबार में ही रम जाएंगे, और हम जिस काम के लिए हैं, जो हमारा भक्त का जो काम है ईश्वर की भक्ति करना, वो तो हम भूल ही जाएंगे। तो इस तरह ये युग से कटे रहते हैं और अपने आप को ईश्वर की भक्ति में ही लगाए रखते हैं। अगला है नारी मुक्ति की प्रस्तावना, इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, सूर का पूरा भ्रमर गीत इस चीज के लिए प्रसिद्ध है। सूर की गोपियां उतनी स्वच्छंद उस युग में है, द्वापर युग में, जितनी स्वच्छंद आज की नारी भी नहीं है, अपने पति के होते हुए भी, अपने परिवार के होते हुए भी वो कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, और प्रेम इतना ही नहीं कि रात को भी रासलीला रचाने जाती हैं, उनके साथ उनकी बांसुरी सुन के दौड़ पड़ती हैं, इतना अटूट प्रेम और इतनी स्वच्छंदता गोपियों को मिली है सूर ने जो दिखाया है, वो आज की भी नारी उतनी स्वतंत्र, उतनी स्वच्छंद नहीं है। तो
मीरा भी कहती है कि पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। कृष्ण भक्ति में मीरा भी दीवानी होकर नाचती हैं, अपनी नारी होने के जो उस समय बंधन लगाए जाते थे उन सब से मुक्त होकर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा पे बहुत बंधन थे पर कृष्ण की भक्ति में लीन होकर इन्होंने भी सारे बंधन तोड़ दिए थे और इनकी कविता में भी नारी मुक्ति के स्वर सुनाई देते हैं। नारी मुक्ति सीधी दिख रही, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, यानी कि पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा नाच रही। वो मीरा जो राजपूत खानदान की बहू थी, वो रानी थी, उसके लिए पर्दे में रहना आवश्यक था, वो घुंघरू बांध के नाच रही है। तो नारी मुक्ति के स्वर कृष्ण भक्ति शाखा में आपको हर जगह दिखाई देंगे। गोपियों के तो है ही, मीरा के भी है। मीरा के और भी पद हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, तो सॉरी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वो राम मतलब कृष्णमय है, कृष्ण की भक्ति कर रही, कृष्ण के लिए ही, कृष्ण के लिए वो अपना घर छोड़ देती है, अपनी पहचान छोड़ के वो मंदिरों में नाच गाना लिए, वीणा लिए गाती हैं, बजाती हैं, एक तारा बजाती हैं और अपने पद गाती हैं। अगला पॉइंट है प्रकृति के साथ रागात्मक चित्रण। प्रकृति के साथ रागात्मक चित्रण का मतलब हुआ कि प्रकृति से भी ये मानवी मानव की तरह प्रेम करते हैं। गोपियों के लिए लिखा है कि जब कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, तो पूरी मथुरा में, पूरे गोकुल में सभी दुखी है, पूरे ब्रज के लोग दुखी हैं। तो प्रकृति के साथ भी चूंकि ये मानवीय व्यवहार करते हैं, प्रकृति से भी प्रेम करते हैं, तो मधुबन के लिए गोपिकाएं कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, विरह वियोग श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ना जरे। मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन में जो पेड़ पौधे हैं, जो कुंजन वन है, उनसे गोपिकाएं कह रही हैं कि तुम कैसे हरे भरे हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के, श्याम के कृष्ण के वियोग में, उस ब्रह में तुम ठाड़े मतलब खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए। ये अधिकार इंसान किस पे दिखाता है, ये ताना किसको मारता है जिससे प्रेम करता है। ताना व्यक्ति उसी को मारता है जिससे प्रेम करता है। अक्सर पत्नियों पर जोक बनते हैं, हम देखते हैं फेसबुक पर भी दिखते हैं कि पत्नियां ताना मारती हैं, ताना मारने का काम होता है औरतों का। तो ये मत भूलिए कि ताना उसी को मारता है कोई भी जिसे प्रेम करता है। यशोदा जी नंद से कह रही हैं कि जब नंद जी कृष्ण को छोड़कर आ जाते हैं तो यशोदा जी भी नंद से कहती हैं, नंद ब्रज लीजिए ठोक बजाए, अपना ब्रज ठोक बजा के ले लो, हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं, हम सब मधुपुरी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, जहां गोकुल के राय, जहां कृष्ण गए हुए हैं, जहां हमारा पुत्र गया हुआ है, हम सब मिलकर वहीं चले जाएंगे। आप हमारे लिए ब्रज, आप ब्रज में हमें छोड़ के गए थे कृष्ण को छोड़ने, तो आ गए हो तो अपना ब्रज ले लो। ठोक बजा के लेने का मतलब जैसा छोड़ गए थे देख दाख के ले लो, हम यहाँ रहेंगे नहीं। तो ये ताना किस कौन दे पाता है, प्रेम करने वाला। गोपियां कृष्ण को ताना देती हैं, उलाहना देती हैं, उद्धव जी मैंने सब कार्य अजमाए, काले 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 भौरा कही हैं, काला भौरा बता रही हैं कृष्ण को। उद्धव जी भी चूंकि सामने है तो कह रही, उद्धव जी मैंने सब कार्य अजमाए, आप हमें ज्ञान ना दो, हम काले लोगों को पहले ही बहुत अजमा चुके हैं।
कृष्ण ने ही हमें धोखा दे दिया, कुब्जा से प्रीत कर ली और हमको योग सिखाने के लिए भेज दिया तुम्हें कि जाके गोपियों को योग सिखा दो, खुद कुब्जा से प्रीत कर ली, मतलब कुब्जा से उनको ईर्ष्या हो रही है कि उसे प्रेम दे रहे हैं और हमें धोखा दे के चले गए, हमें छोड़ के चले गए। तो ये ताना तभी बनता है जब कोई किसी से बहुत प्रेम करता है। तो ये थी भाव पक्ष की विशेषताएं। अब हम शिल्प पक्ष देख लेते हैं, काव्य रूप शिल्प पक्ष इन्हीं आधारों पर निर्धारित किया जाता है। हमने आपको कबीर के समय भी बताया था, जब भक्ति की भक्ति काल की विशेषताएं बता रहे थे तब भी बताया था। काव्य रूप यहाँ कैसा है, तो यहाँ पे चूंकि कृष्ण प्रेम की कविताएं लिखी जा रही हैं, तो अधिकतर यहाँ मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है और मुक्तक काव्य में ही अधिकतर सारी इन्होंने प्रेम की कविताएं लिखी हैं। कहीं कहीं प्रबंधात्मक भी मिल जाता है, प्रबंधात्मक जैसे भ्रमर गीत। भाषा तो ब्रज है, पता ही है सबको, कृष्ण काव्य की संपूर्ण भाषा ब्रज ही है। छंद यहां चूंकि मुक्तक काव्य अधिक है तो दोहा है, रोला है, पद है, सवैया है। आप ऐसे लिख दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग है, जैसे दोहा, रोला, पद, सवैया, एक एक गिनाना संभव नहीं है, कवित्व भी है। रस में वात्सल्य तो प्रमुख रूप से है ही, ये आप अच्छे से जानते हैं कि वात्सल्य रस इनके द्वारा ही बनाया गया, तो वात्सल्य है। विभिन्न रसों का प्रयोग है जिसमें वात्सल्य प्रमुख रूप से। अलंकार में भी विभिन्न प्रकार के अलंकार हैं, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। उदाहरण दे सकते हैं, शुक्ल जी का एक कथन है, शुक्ल जी कहते हैं कि सूर को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है, वह उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं, ये कोटेशन आप लिख सकते हैं। प्रतीक में आप लिख दीजिएगा कि जो कृष्ण हैं वो ब्रह्म का प्रतीक है और जो गोपियां हैं वो आत्मा का प्रतीक है। बिंब का मतलब होता है चित्र। जब हम किसी कविता को पढ़ें तो सामने हमारे एक चित्र सा बन जाए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वहां बिंब का प्रयोग होता है। जब हमें पढ़ने पर चित्र जैसा अनुभव हो, ऐसा लगे जैसे जो हम गा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो हमें दिखाई देता हो। जैसे आप कोई भी पद यहाँ दे सकते हैं, सूर में बिंब भरपूर दिया हुआ है। जैसे वो लिखते हैं कि मैया कबई बढ़ेगी चोटी, बहुत दिनन में दूध पियत भाई, ये अब हूँ है छोटी। मतलब जैसे छोटे बच्चे जिद करते ना, मैं कब बड़ा होऊंगा, एक ऐड आता है, मैं बड़ा तो हो रहा हूँ पर बढ़ूंगा कब।
तो उसी तरह माँ मैं कब बड़ा होऊंगा, माँ कह देती है कि जब तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी तब तुम बड़े हो जाओगे। तो वो बोलते हैं कि माँ कब ही बढ़ेगी चोटी, तो कहते हैं जब तुम दूध पियोगे तब चोटी बढ़ेगी। ऐसा अक्सर माएं घर में करती हैं कि बाल बढ़ाने हरी सब्जियां खाओगे तो तुम गोरे हो जाओगे, हरी सब्जी खाओगे तो तुम्हारे बाल बढ़ जाएंगे। क्यों? ताकि बच्चा हरी सब्जी खाने लगे, ताकि बच्चा दूध पीने लगे जो नहीं पीना चाहता है। तो वो वही कृष्ण को समझा रही हैं कि तुम्हारी चोटी इसलिए नहीं बढ़ रही कि तुम दूध नहीं पीते हो, तो तुम दूध पियो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। तो कहते हैं बहुत दिनन मोय दूध पियत भय, यह अबहु है छोटी मैया कभी बढ़ेगी चोटी। तो मतलब वो कह रहे हैं कि हम दूध तो बहुत दिन से पी रहे हैं माँ, हमें बहलाओ नहीं, ये कब बढ़ेगी। और भी वो जिद करते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जय हो लोट धरणी पर वही तेरी गोद ना आए हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसे देख के ऐसे लगता है कि जैसे कृष्ण यशोदा से किस तरह कह रहे होंगे, ये दिखकर ही पता चल जाता है। किलकत कान घुटुर मन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वे धावत। मतलब मणिमय आंगन है नंद जी का, जिसमें रत्न लगे हुए हैं, तो उसमें परछाई पड़ रही है जब कृष्ण आ रहे हैं, तो घुटनन चल रहे हैं, हंस रहे हैं, और जो परछाई दिख रही है उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वे धावत। अपना चित्र पकड़ने के लिए, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं घुटुवन घुटुवन, और खुश हो रहे हैं। ये सब देख के अपने आप मन में एक छवि उभरती है कि कैसा दृश्य रहा होगा, तो वही बिंब कहलाता है। इसके लिए किसी उदाहरण को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही इतने पता होंगे, कोई भी लिख दीजिएगा। आगे कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि चूंकि प्रेम पर वात्सल्य पर सूर इसके वात्सल्य के पुरोधा है, और उन्होंने प्रेम कृष्ण प्रेम पर इस तरह कविता लिखी के जो कवित्त हैं उनके जो पद हैं उसको प्रेम में इतना डुबो दिया कि वो जीवन के लिए एकदम सरस बन गया। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो इन्होंने समाज में जीने की चाह बनाए रखने के लिए भी भारी योगदान दिया। यानी कि जो निराशा भरने लगी वो भी कृष्ण भक्ति के गीत गा के आशावान हो गए, खुश हो गए। तो ये थी कृष्ण काव्यधारा की विशेषताएं, आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको इससे फायदा पहुंच रहा है तो रेगुलर वीडियो को देखते रहें, और इसे लाइक शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अन्य स्टूडेंट्स को तक भी पहुंचाएं, ताकि जो दूर दराज में स्टूडेंट हैं उन्हें भी लाभ मिले। धन्यवाद।